अखिलेश यादव चित्रकूट आए हैं, उनसे बात करेंगे कि जनसभा में क्या कुछ जानकारी हुई है, क्या कुछ उन्होंने जनता को जानकारी दी है। लेकिन अभी फिलहाल समर्थकों से मिल रहे हैं, चित्रकूट से रवाना हो रहे हैं। अखिलेश जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? रुक ले यार। चित्रकूट से जनसभा को संबोधित करने के बाद कैसा, क्या कुछ कहा आपने, क्या कुछ कहा जनता से? चित्रकूट की जनता से हमारी अपील है कि सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी और जिस समय इलाज की ज़रूरत थी, दवाई और सुविधा की ज़रूरत थी, जनता को अनाज छोड़ दिया। इन्होंने आय दोगुनी का झूठ बोला, इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे वो झूठ बोला, लैपटॉप बांटने की बात कही वो झूठ बोला, पानी जो पाइप वाटर सप्लाई समाजवादियों ने सबसे पहले शुरू की थी उस योजना को बंद करके फिर दोबारा शुरू करने जो अभी भी नहीं पूरी कर पाए हैं, वहीं जो हम लोगों ने गरीबों को खाना दिया था। और हम समझते पत्रकार साथियों आपको ज़्यादा जानकारी होगी, समाजवादी पैकेट में जो चीज़ें मिलती थी आखिरकार वो क्यों बंद कर दिया? अगर गरीबों की मदद करनी थी तो वो चालू रखते, इसे समाजवादी सरकार बनेगी उसी तरीके से गरीबों को खाना और पौष्टिक खाना कैसे मिले जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे ये कहना चाहिए जो बगल में मामा साइकिल बांट रहे हैं तो क्यों बांट रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, वो अपनी नाकामी पे वोट मांग रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री कौन था, होम मिनिस्टर कौन था, सरकार किसकी थी? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अपनी नाकामी पे वोट मांगे कोई? और पहले किसानों को आतंकवादी कहा और अब किसको नहीं कह रहे? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता उनका सहयोग और समर्थन नहीं कर रही है। जनता आज महंगाई कैसे कम होगी वो सुनना चाहती है, नौजवान ये सुनना चाहते हैं कि बेरोजगारी कैसे कम हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने फौज की भर्ती 3 साल नहीं की और कोरोना की वजह से हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। तो आखिरकार इस समस्या समाधान क्या है? और अन्य जानवरों को लेकर के इन्होंने कई बार भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान हो जाएगा। बताओ, हजारों करोड़ रुपया पैसा लगा वो कहाँ चला गया? इसलिए पर्यटन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, आपके किसानों के सहयोग के लिए, आपने नौजवानों को नौकरी रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया और हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जनता को ये भरोसा है कि समाजवादी लोग आएंगे तो सरकार बनेगी और काम होगा। क्योंकि वो एम्बुलेंस चलती हुई देख रहे हैं, 100 नंबर वाली गाड़ी देख रहे हैं, वो चित्रकूट धाम वाली चौड़ी सड़क बनती हुई देखी उन्होंने, ये बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे का सपना समाजवादियों का ही था, ये अच्छा किया इन्होंने इटावा हम से जोड़ दिया। गठबंधन को लेकर वो कह रहे हैं कि ये फिर से वही होने वाला जो पिछली बार हुआ। देखिए, भाजपा घबराई हुई है, भाजपा भी तो गठबंधन करे हुए है। भाजपा अपना गठबंधन क्यों छिपाती है? और जो लोग ये कहते हैं घोर परिवारवादी, आप बताइए ज्योतिदास सिंधिया क्या है, उनकी बुआ क्या है, उनकी बुआ क्या है, दो बुआ है ना, क्या है वो बीजेपी में, एक डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बेटे कहाँ हैं, इसी तरह और एक पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके परिवार के कहाँ हैं। बीजेपी अपना परिवार क्यों भूल जाती है? और बीजेपी को परिवार की बात इसलिए शोभा नहीं देती है कि कहीं उनके परिवार पे टिप्पणी करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा उनको। इसलिए चुनाव महंगाई बेरोजगारी पर है, कम से कम महंगाई बेरोजगारी का जवाब दें। क्या लगा सरकार इस बार सपा बना पाएगी? समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं, 2 चरणों में शतक लगा दिया है, तीसरे चौथे में और एक शतक लग जाएगा, चौथे के बाद ऐतिहासिक बहुमत। मैं तो उन्हें बधाई देता हूँ कि हमारा परिवारवाद खत्म कर रहे हैं, हम तो कहते एक आध को और ले लो तुम। कम से कम जो लोग ये सही पूछा, ये हमारे पत्रकार साथी ने इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि जो परिवारवाद की बात कर रहे थे वही हमारे परिवार के सदस्यों को ले रहे हैं, और एक नहीं दो लिए उन्होंने, 3 लिए हैं। आपके मानिपुर के प्रत्याशी से इतना घबराए हैं विपक्ष वाले की, कह रहे हैं कि अपना दल ने बालू माफिया उतारा तो आपने डकैतपुत उतार दिया। देखिए, वीर सिंह के बारे में ये कहना और भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं बालू माफिया, इनका यहाँ से लेकर के झांसी तक पता कर लो, और सबसे ज्यादा माफिया क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? जो माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो बीजेपी की सरकार में खेल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी माफिया के संग जेल में चाय पी रहे हैं, सोचिए आप। और ये तो हमारा जागरूक पत्रकार है, ये जांच करना, जानकारी करना। बताओ, मुख्यमंत्री जी बनारस की जेल में किस माफिया के साथ चाय पी रहे थे? चलिए, धन्यवाद, मदद करना आप लोग भी।